अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की सिलेक्शन में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जो अपने मोबाइल की एक ही रोज़ाना लुक देख देख कर थक चुके हैं, या अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल को एक न्यू अपडेट और प्रोफेशनल लुक दें, तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चले शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने इधर लिखा है स्ट्रिप लॉन्चर टू। स्ट्रिप लॉन्चर टू लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपने यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये इसका आइकन देख लें। तो फ्रेंड्स, पहले से ही मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपके सामने शो होगी। तो फ्रेंड, ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त लुक है आपके सामने ये शो हो रही है। ये देख लीजिए, ये सारे ऐप्स दिखा रहा है आपको। ये होम है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है। तो ये है म्यूज़िक, जो जिसमें आपका म्यूज़िक पड़ा हुआ है। तो ये है वेदर वगैरह। तो फ्रेंड, ये देख लीजिए, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शो करवा रहा है। ये होम भी काफ़ी अच्छा है, शो करवा रहा है। तो फ्रेंड, अगर मैं इसे बैक बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये बैक चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसे नॉर्मल ही की तरह यूज़ करें, जैसे ये वाली मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं बैक पर क्लिक करता हूँ तो ये इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसे भी इस तरह यूज़ करना चाहते हो तो आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है इसे परमानेंट यूज़ करने के लिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने जाना है मैनेज ऐप्स में, इधर सर्च करना है मैनेज ऐप्स। तो फ्रेंड, मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपने ये इधर सर्च करना है डिफ़ॉल्ट ऐप, ये नीचे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग, इधर क्लिक करना है। या अगर आप इसे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो फ्रेंड, आपने इधर सर्च करना है डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग। डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग सर्च करने के बाद आपने ये इधर क्लिक कर देना है, ये आपके सामने डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। तो फ्रेंड, आपने लॉन्चर पर क्लिक करना है। लॉन्चर पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपके मोबाइल में जितने भी इंस्टॉल लॉन्चर होंगे उनका आइकन शो करवा देगा। क्योंकि मेरे मोबाइल में फिलहाल एक ही लॉन्चर है जिसे मैं यूज़ करता हूँ, स्ट्रिप लॉन्चर टू है ये। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज का ऑप्शन मांगेगा, आपने चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स, अभी बैक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बैक जाता हूँ तो ये देखने में बैक भी क्लिक कर रहा हूँ, मगर ये नॉर्मल ही विंडो की तरह काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे दोबारा अपनी एक आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल थीम की तरह यूज़ करें, अपनी नॉर्मल सेटिंग को यूज़ करें, इसे ख़त्म कर दें, तो आपने इसे ख़त्म करने के लिए आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने दोबारा इधर जाना है डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग में। डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग में जाने के बाद आपने लॉन्चर में, लॉन्चर के बाद आपने ये इधर आना है, जो आपका मोबाइल होगा आपने अपने मोबाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, जो ही आप अपने मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी नॉर्मल थीम होगी वो एक्टिव हो जाएगी और वो लॉन्चर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें।